अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज तीन अहम स्टोरीज के ऊपर बात करेंगे। आज हमने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, और इससे आने वाले वक्त में ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या रिजर्व सीट्स पीटीआई को दोबारा मिल सकते हैं नहीं, इस कानूनी बहस पर भी आज बात करेंगे। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है वो भी एक मामला बन चुकी है। पीटीआई के अंदर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मरवत साहब को मिलेगी या किसी और को मिलेगी। अब शेख वकास अकरम साहब के पास है, पर लगता है कि वो भी अनअवेयर थे कि उन्हें मिलनी भी थी या नहीं। और वीट स्कैंडल एक बहुत बड़ी स्टोरी बन चुका है, इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। इसमें जिम्मेदार कौन है, मौजूदा हुकूमत, साबिका इंटरिम गवर्नमेंट या फिर इम्पोर्टर्स? तफसील से बात करेंगे। जी फहद साहब, मजार दिन है आज, बड़ा न्यूज़ी दिन है और बड़ा कुछ हो रहा है। और ये बड़ी मुश्किल का हमें सामना था कि कौन सी स्टोरीज करें और कौन सी ना करें। मीटिंग्स भी हो रही हैं, कोर्ट हियरिंग्स भी हो रही हैं, और पीटीआई का जो नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है वो तो हमें मिल ही रही है। वो तो एक तफरी जो है वो जिस दिन ना हो उस दिन थोड़ी बोरियत हो जाती है। तो वो ये एक्चुअली मैं तो ये कहता कि ये पीटीआई का जो मामला है उस पर भी हम आते हैं। ये मरवत साहब को और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, ये तो बाकायदा वो एक सोप ऑपरास नहीं होते स्टार प्लस के, पता नहीं स्टार प्लस वही होते हैं किधर होते हैं। वो एक जमाने में स्टार प्लस के बड़े मशहूर थे, वो यही बन गया। यानी कि वो कहानी है, हर रोज एक नया ट्विस्ट आ जाता है। 700-800 किस्तों पे मोहित वहाँ और चली जा रहा है और उसमें नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जिस तरह आप एक नए कैरेक्टर हुए ना आज जो है शेख वकास अकरम, वो नया कैरेक्टर इन्वॉल्व हो गया है। और जो मरवत साहब है वो अब जो है वो न सिर्फ नाराज है बल्कि गुस्से में, अनबिलीवेबली कंफ्यूजन है, कमाल है। कभी कभी लगता है जैसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि, लेकिन अनबिलीवेबली। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये ना हो तो फिर वो पार्टी कैसे होगी? खासतौर पे ये तो इमरान खान साहब के होते हुए ये सारे मसाइल होते थे, अब तो वो जेल में हैं तो उसके बाद तो एग्जैजरेट हो गए जिस तरीके से ही हो रहा है। तो सबसे पहली जो हमारी स्टोरी उससे बढ़ते हैं, मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें नए सवाल पैदा करते हैं। हाँ, अब देखे ना, आज जब पीटीआई की हम बात करें तो जहां पीटीआई को ये एक अलग मसले पड़े हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी वाले, उधर आज उनको ये बड़ी अच्छी खबर आ गई। अच्छा, अब कोर्ट कचहरी में क्योंकि ये मामला इतने ज्यादा हमारी जो है ना जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गई है, हर मामला अल्टीमेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है या हाई कोर्ट में ही जाता है। तो एक्चुअली अगर आप इसको रोजाना की बुनियाद पे फॉलो ना कर रहे हो तो आप हर शख्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि मामला था क्या। तो ये एक्चुअली हुआ ये है, बिल्कुल अगर हम उसकी एक खुलासा बयान कर दें अपने नाज़रीन के लिए, कि पीटीआई से इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशस्तें थी वो ले ली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में जाकर और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जी हमारी, हम जीते, हमारी सीटें हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट जब वो गए ना बतूल, तो मैंने एक जो लोगों से उस वक्त पूछा था पेशावर हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, यहां का मामला है इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में। तो उस जमाने में ये बड़ी खामोशी से कहा गया कि जी हमें वहां से फेवरेबल, क्योंकि रिवायत ये रही थी ना पेशावर हाई कोर्ट ऐसे डिसीजंस देता रहा जो पीटीआई को सूट करता, बिल्कुल ऐसे। तो वो उनका ख्याल था कि हमें बड़ा यहाँ से कुछ रिलीफ मिल जाएगा, वो उल्टा हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि जी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, आपको सीटें नहीं मिलेंगी। वहां से जब वो मायूस हुए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्लैश पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वहां उन्होंने कहा कि जी इसको रिव्यू किया जाए। वो हियरिंग आज हुई है। अच्छा, आज हुआ ये कि वो तीन जजेस पे मुश्तमिल ये बेंच था, थ्री मेंबर बेंच, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। इन्होंने, यह पहली हियरिंग थी और पहली हियरिंग में उन्होंने बड़े सख्त सवाल किए और उन्होंने कहा कि जी अगर कोई जमात, इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा कि भाई अगर कोई जमात कुछ सीटें जीत के आई है तो आप कैसे उसके प्रोपोर्शनेटली जो रिजर्व सीटें होती हैं आप किसी और को दे सकते हैं, ये पॉसिबल कैसे? बहरहाल वही हुआ, उन्होंने हियरिंग के बाद जो है वो फैसला सस्पेंड कर दिया। कौन सा फैसला? पेशावर हाई कोर्ट का। विच मीन्स के उन्होंने ये नहीं कहा कि सारी सीटें जो है आप दे दें वापस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। उन्होंने कहा कि जी हम ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट का सस्पेंड कर रहे हैं, वो लोग जो उन जिनको वो सीटें मिल गई थी, यानी वो बाकी जमातों को मिल गई थी ना, वो जो उन सीटों पर जो लोग आए हैं वो फिलहाल जो है वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और अब ये जो मामला है ये जो उनकी जो सीनियर जो कमेटी है जजेस की उसमें जाएगा और फिर एक लार्जर बेंच बनेगा जो 3 जून से लेकर रोजाना की बुनियाद पे हियरिंग करके फैसला करेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब पीटीआई जो है वो छलांगे मार रही है, वो तो बड़े खुश हैं, बड़ी जीत है उनके लिए। बल्कि आज अदालत में जब ये हियरिंग खत्म हुई
तो आए साथ सलमान अकरम राजा साहब भी थे और कुछ उन्होंने कलमात गुजारिश इजहार किया और अदलिया पे एतमाद का इजहार भी किया जो कि कभी कभी सुनने को मिलता है। कभी एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा था वो सुनाते हैं आपको। हुकूमत आईन में तरमीम करने जा रही थी, वो अपनी टू थर्ड मेजॉरिटी इन सीटों के बिना पे दिखा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सदबाब हो गया, अब इंशाल्लाह ताला हुकूमत नाकाम होगी और वो टू थर्ड मेजॉरिटी से महरूम है। हतमी फैसला जो है इस मामले का वो 5 मेंबर या उससे बड़ा बेंच ही करेगा। अच्छा, अब ये तो उन्होंने जो जाहिर बात है बात कर दी, बनती भी है और वो दो तिहाई की जो बात करें उस पर मानते हैं। उस पर हुकूमती जो जो मौकफ आया वो आया वजीर कानून से, जनाब सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब, और उन्होंने ये कहा कि ये लार्जर बेंच को ही फैसला करना चाहिए था और मैं उम्मीद करता हूं या तवक्को करता हूं कि ये पेशावर हाईकोर्ट का जो फैसला था वो बहाल हो जाएगा और ऐसा नहीं होगा। बहर ये हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, अब जब वो बेंच बनेगा सो बनेगा, उसके बाद जो फैसला आएगा सो आएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है, जो बैरिस्टर गौर बात कर रहे थे वो एक्चुअली बात ठीक है कि क्योंकि ये जो मखसूस नशस्तें थी पीटीआई की, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, मैं बार बार सुन कंफ्यूज होता हूं, पीटीआई कह दें, पीटीआई कह दिया, समझ आ जाए, इजी है। चले, पीटीआई की जो सीटें थी वो जो जो उनकी बनती थी रिजर्व सीट्स नेशनल असेंबली में, वो थी 23। अब अगर वो 23 जो हैं, वो 23 अब जो है वो रूलिंग कोलिशन के पास नहीं रहती, तो बैरिस्टर गौर सही कह रहे हैं कि उनके पास जो दो तिहाई की अक्सरियत थी वो खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर कोई शायद ये समझ रहा है कि इससे जो है वो जो गवर्नमेंट और अपोजिशन का जो नंबर है वो चेंज हो जाएंगे, वो नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि पीटीआई हुकूमत बना लेगी, हालांकि आज वो असद कैसर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा जी हम तो बस अब आने वाले हैं। अच्छा। पीटीआई की हुकूमत जो है वो तो अब हम हुकूमत हमारी बनेगी। बहरहाल वो तो खैर सियासी बयान था, नंबर्स के मुताबिक ये नहीं होता कि वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, लेकिन 2/3 खत्म होगी। व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट, सवाल तो यह है बड़ा कि 2/3 क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर 2/3 खत्म हो गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, माफ कीजिएगा हुकूमत की, तो उससे अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकता। ये बेसिकली कहानी जो है ना इस टाइम, अगर सारा निचोड़ है ना सारी राम कहानी का इस वक्त के लिए, वो ये है कि अब हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकती, आईन में कोई तरमीम नहीं ला सकती। अच्छा, वो क्यों अहम है, अगला सवाल ये बनता है, और वो इसलिए अहम है कि क्योंकि एक गूंज हमें सुनाई दे रही थी बड़े दिन से कि हुकूमत जो है वो बहुत सारी आईनी तरमीम के ऊपर काम कर रही है, और हुकूमत में बतूल मैं आपको बताऊं जो एक कॉन्फिडेंस था ना कि जी हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम तो जो मर्जी कर दें, वो नहीं कहते जंगल का बादशाह अंडे दे या बच्चे दे, तो ये कह रहे थे कि हमारी मर्जी हम अंडे दे बच्चे दें क्योंकि 2/3 हमारे साथ है और एक पेश तो है ही है, वही तो एक अलग 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 कहानी है। तो इस पे बड़े बड़े प्लान बन रहे थे, वो भी ट्रांसलूसेंट होता जा, वो भी हाँ हो है तो सही, लेकिन बहरहाल वो दैट फॉर अनदर डे। सो अब मामला ये है कि वो बड़े बड़े प्लान बन रहे थे, यानी हम ये भी सुन रहे थे कि जी जजेस की, चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो फिक्स करने की बात हो रही थी, बल्कि राणा सनाउल्लाह ने तो कह भी दिया उस दिन एक शो में बैठ के, उन्होंने कहा कि हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए कि 3 साल का होना चाहिए, अब उसके लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत है, बहुत बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अपोज कर रही है। उसके बाद और जजेस के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, आर्टिकल 62-63 के हवाले से कई ऐसे बातें थी जो हम सुन रहे थे कि हुकूमत बड़े 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 प्लान कर रही है। अब आज के बाद वो नहीं हो सकता, सो नाउ दे हैव अ सिंपल मेजॉरिटी, और इंटरेस्टिंगली आने वाले वक्त में JUIF की भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब लेजिस्लेशन होगी सेनेट में भी तो गवर्नमेंट को मौलाना के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अब ये हो गया है मसला। अच्छा, अब इससे जुड़ा हुआ एक मसला और भी है, वो ये है कि एक और आजकल जो है ना वो गप हवा में उड़ रही है, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कहते हैं ना टारजन की वापसी होने वाली है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काबीना में वापसी की बातें हो रही है, कहा जा रहा है कि जी बजट के बाद शायद वो आ जाएं, और सात, कोई कहता है 7 मिनिस्ट्रियां उन्होंने मांग ली हैं, कोई कहता है 8 मिनिस्ट्रियां मांग ली हैं और उस पर निगोसिएशंस हो रही हैं वगैरह वगैरह। अब जब ये भी ये 2/3 वाला मामला अगर खड़ा हो गया जो उनको फारिग हो गए हैं, और अगर अगले महीने जब ये हियरिंग्स होंगी उसके बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशस्तें वापस मिल गई और नंबर्स गेम हो गई चेंज, तो क्या पीपल्स पार्टी फिर भी उतनी कंफर्टेबल फील करेगी कि वो आए? अब ये एक बड़ा सवाल है, मुमकिन है वो फिर भी आ जाए,
लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशन हो गई। और आखिरी बात बताऊं, इससे थोड़ा सा जो एक निजाम में लगा, पीटीआई कह रही थी सारा पूरा का पूरा निजाम हमारे खिलाफ है, वो चीफ जस्टिस के ऊपर भी आपने देखा होगा कितनी तनकीद कर रहे हैं, उस पर हुकूमत पे तो है ही है और इस्टेब्लिशमेंट पे। तो उस दिन इमरान खान साहब ने हम जो बात कर रहे थे, उन्होंने जो नया कॉलम भी लिख दिया, वो तो ठोक बिल्कुल डायरेक्ट हुए में। इस तरह के फैसलों से अब अगर कभी आपको ये लगता है कि अगर पीटीआई भी कभी कभी कोई ये बोल दे कि जी बड़ी अच्छी उन्होंने अदलिया ने बड़ी अच्छी हरकत की है या बड़ा अच्छा फैसला, दैट्स म्यूजिक टू इयर्स, इट्स म्यूजिक टू द इयर्स, इट आल्सो रिलीजेस अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड स्टीम कि अच्छा जी चलो निजाम में जो है अभी भी बहुत सारा अभी कैपेसिटी है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन मेरे लिए इसमें जो पॉइंट है जिसपे मुझे लगता है कि पीटीआई आने वाले वक्त में देखते हैं काम करती है नहीं, वो ये कि ये उनके वकला पे इंहसार करता है मुकम्मल तौर पे, कि जो कानूनी जंग है, एक तरह की कानूनी जंग है। अभी तो उनके वकला बुरी तरह कामयाब रहे हैं और सबसे बड़ा उनका बुरा फैसला यह था कि ऐसी जमात के पास जाना जिन्होंने वो लिस्ट्स प्रोवाइड नहीं की हुई रिजर्व सीट्स के लिए। तो अब ये कानूनी जंग में पीटीआई के वकला कैसे परफॉर्म करते हैं, मेरे लिए तो ये ज्यादा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। नहीं ये बिल्कुल है, क्योंकि और ये बात भी आपकी ठीक है कि जो वकला है उन्होंने डिसीजन मेकिंग को डोमिनेट किया हुआ है हर हवाले से। इमरान खान साहब के साथ जो एक्सेस है वो भी पीटीआई के वकला की है, और उसके साथ साथ जो ये गलत फैसले हुए हैं जो कि आप बायदे में सारे मानते हैं, जो आप जिसका आप इशारा कर रही हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाला, लेकिन वो भी उस वक्त वकला नहीं किया। तो अब इस बारी जो है वो ठीक है, वकला के तो आर्ग्यूमेंट्स हैं, लेकिन जिस तरीके से आज इस 3 मेंबर बेंच ने जो है वो हुकूमती पोजीशन को मौकफ को एक बड़ी कम वक्त में जो है वो उठाकर परे मारा है, उससे तो लग रहा है कि पीटीआई को और बड़ी रिलीफ मिल सकती है। और पॉलिटिकल नंबर्स गेम जो चेंज हुए हैं, इससे जो एक लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा हमें नजर आ रहा था ना, वो था ना कि जी एक वन पेज के जरिए जो एक हमें एक मैपिंग ऑफ आवर पॉलिटिकल लैंडस्केप नजर आ रहा था, इस तरह के फैसलों से उसमें एकदम हल्की सी ना रीशफलिंग। लेकिन आप ये देखेंगे निजाम ने कितनी दफा, एक दफा नहीं 3-4 दफा पीटीआई को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपना रोल प्ले कर सके, कभी इंडिपेंडेंस की जीतने की सूरत में, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से मुजाकरात की सूरत में, कभी किसी अदालती फैसले की सूरत में, और कभी किसी अमरीकी सफीर को मिलकर उस पे आते जरा क्योंकि वो उस पे तो अनबिलीवेबल है वो जो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए रियलाइज नहीं कर पाते। मैं आज वो फुटेज देख रहा था बतूला, अगर शायद हमारे पास है तो हम उसको दिखा बिल्कुल दिखाएं, बिकॉज़ इट हैज बिकम एब्सोल्युटली यस, यानी अमेरिकी सफीर को, ये आप सोचें ये वो लोग हैं जो कहते थे कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, आज भी कहते हैं, ये भी कहते थे ऑपोजिशन को भी नहीं मिलना चाहिए। मैं अब आपको अपना किस्सा सुनाऊं, चले मैं अपनी जातियात भी नहीं उतरना चाहता। एक तो ये आज तक ये कह रहे हैं, अभी गेस्ट आएगा पीटीआई का, नहीं जी हम हुकूमत अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई। अब देखें जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, इन्होंने नाम ले लेके पीटीआई के लोगों ने कहा था कि जी ये फलाना फलाना बंदा है ये अमेरिकनों को मिलता है, ये फलाना बंदा है ये अमेरिकन सिफारत का मिलता है, मेरा भी नाम उसमें आया था, मैं आई डोंट वांट टू मेक इट पर्सनल, लेकिन इन्होंने मेरी तस्वीरें भी टीवी पे चला के ये कहा था कि जी अमेरिका सफारतखानों को मिलता है, इसलिए ये रिजीम चेंज की साजिश का हिस्सा है आपके बारे में। यस ये तो हाल आप हिस्सा है, ये और भी बहुत सारे सहाफी थे जो रूटीन में मिलते हैं, ये तो इनका हाल था इस तरीके। और अब देखें उसी किस मुंह से आज ये जाके और अमरीकी सफीर को मिल रहे हैं। लेकिन फाद साहब ऑन लाइटर नोट, कि आपको ये एजाज हासिल हो चुका है कि आप उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो अमरीका से शुरू हुई थी और मोस्ट नकली खत्म हुई थी। लेकिन नहीं ये वाकई में देखे ना, ये जो दोगलापन है ना, ये बड़ी ही अफसोस की बात है। और इसमें जो अब ये आज जो फुटेज हमने देखी है, यानी इनसे को पूछे ना कि फिर वो रिजीम चेंज का क्या हुआ, फिर वो डोनाल्ड ब्लूम का क्या हुआ, फिर वो अमेरिका की हुकूमत का क्या हुआ, फिर वो जो तमाम लोगों पे ये उंगलियां उठाते थे कि ये लोग हैं अमेरिकनों को मिलते हैं, आज कौन अमेरिकनों को मिल रहा है, गले लगा रहे हैं उनको, इनका क्राइटेरिया, दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। और आप ये देखें कि पीटीआई में इतने ये पॉलिटिकली इतना साउंड नहीं है पीटीआई कि उन्हें पता चले कि किससे मुल्क के अंदर बात करनी है, लेकिन मुल्क के बाहर उन्हें बहुत सारे ऐसे लोग और ममालिक मिल जाते हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं। देखिए ना मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से करनी है, ना हुकूमत से करनी है, बल्कि अमरीका से करनी। बिल्कुल, और फिर इस तरीके से आके और एक पब्लिक पोजिशन लेना, यानी ये तो बिल्कुल एक यानी दो तरफ मुकम्मल तौर पर एक तजाद है, कुछ कहना कुछ और करना कुछ। बहरहाल अफसोस की बात है कि अभी तक इस तरीके से, लेकिन पीटीआई ने इसे बिल्कुल नहीं सीखा। इल्जाम तराशी और किसी पे झूठे इल्जाम लगाना और यू टर्न लेना
और अपने झूठ पे कायम रहना, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि वो इसी पे चल रहे हैं। मैं आपसे डिसएग्री नहीं करूँ, लेकिन किस्मत उनके साथ है, बार बार निजाम उन्हें मौका देता है, उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जहाँ सीखने की बात हो रही है और निजाम की बात हो रही, तो मरवत साहब का भी जिक्र कर लें। आज एक अजीब कहानी हुई, आज हमारे पास मेहफिल में दो बड़े बहुत ही अहम गेस्ट हमें तीन ज्वाइन कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी को सबक सिखाने चल पड़े। देखिए, वो मरवत साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो एक माजरा है, ये ना खत्म होने वाली वो कहानी बन गई है। पहले उन्हें नॉमिनेट किया, उन्होंने कहा जी खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया है, फिर पता चला कि नहीं, उन्होंने हामिद रजा साहब को नॉमिनेट किया है, फिर मरवर साहब नाराज हो गए, फिर हामिद रजा साहब का हुआ कि वो नहीं हो रहे, मरवर साहब भी हो रहे हैं, फिर वो खुश हो गए, फिर अब पता चला कि नहीं, अब असल में जो है वो शेख वकास अकरम हो रहे हैं, अब मरवर साहब मजीद नाराज हो गए और उन्होंने एक ट्वीट भी दाग दी है। वो ट्वीट अगर हमारे पास है प्लीज बिल्कुल तो हम उनको दिखा भी दें और फिर जरा पूछें कि मामला हुआ क्या है, ये कहानी हुई क्या है। और आपने खुद एतमादी का अंदाजा लगाएं जिसमें वो कह रहे हैं कि I'm going to meet Imran Khan and then I'll tell him कि किसने हाईजैक किया पार्टी। बिल्कुल, उन्होंने देखे ना, उन्होंने कहा कि ये शेर अफजल साहब कहते हैं कि मैं आवाम को बताना चाहता हूँ कि खान साहब ने ना तो PAC के फैसले को सियासी कमेटी को फैसले या वोटिंग के लिए रेफर किया और ना ही अब तक अपना फैसला तब्दील किया है। मैं कल उनसे मुलाकात करूंगा और कमेटी के साथ उनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूंगा। तो ये अब जरा इस पे जरा बात करते हैं, कहानी हुई क्या है। बिल्कुल, और एक न्यूज के डायरेक्टर नॉर्थ इफ्तिखार फिरदौस साहब, इज अ वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट और KPKB को भी कवर करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्माइल खान साहब, डॉन अखबार के एडिटर हैं KP में, और आज उन्होंने ये स्टोरी जो है वो बड़ी ही तफसील से कवर की थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और साथ साथ सलमान अकरम राजा भी हमें साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये जो मैं अगर इस्माइल साहब से शुरू करूं, इस्माइल साहब ये स्टोरी आपने आज बड़ी तफसील से की है, तो ये क्या मरवत साहब का गिला ठीक है, ये उनके पीछे खामोशी से ये एक क्या कुदता हो गया उनके खिलाफ, ये हुआ क्या है माजरा? देखें, आपको याद होगा फात के 20 अप्रैल को गौहर साहब ने खुद एक मीडिया टॉक की, तो उन्होंने कहा था उसमें कि शौकत ये मरवत साहब जो हैं इनको उन्होंने वो कर दिया चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। तो अब उसके बाद से तो खामोशी थी, अचानक फिर ये हुआ कि परसों मेरे ख्याल में फ्राइडे को इनकी मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने मरवत को कॉल की, उससे मैंने बात की, फिर उसके बाद मैंने उमर अयूब साहब से रब्ता किया, उन्होंने जो है तो रूफ हसन साहब को कहा, उन्होंने फिर मुझे कॉल की। तो एक चीज़ जो वाजह और काफ़ी अरसे से हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि PTI में, चूँकि खान साहब जो है वो जेल में हैं, तो PTI में डिफरेंट ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं और ये ग्रुप्स हमारे KP में भी हैं और ये ग्रुप जो है वो इस्लामाबाद में भी हैं। तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दे आर ऑल वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस, फॉर पावर। एक टग ऑफ वॉर चल रही है PTI में अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि खान साहब है नहीं और हर ग्रुप जो है वो इन्फ्लुएंस करता है खान साहब को, जाके एक ग्रुप मिलता है उनसे फैसला लेता है, फिर दूसरा ग्रुप जाता है, फिर उनसे वो दूसरा फैसला ले लेते हैं। इस्माइल साहब, इस मामले में, इस्माइल साहब इस मामले में मरवत साहब के मामले में वो दो ग्रुप्स कौन से हैं, वो कौन सा ग्रुप है जो मरवत साहब का मुखालिफ है और जिसने उनको अब एक बार फिर इस दौर से बाहर कर दिया? ये तो जो है ना शेर अफजल के बकौल, मैं उनको कोट करूंगा, मेरी जो अपनी मालूमात है वो तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप्स हैं इस्लामाबाद में, ग्रुप्स हैं वेटरन ग्रुप्स है, एक लॉयर्स का अपना एक ग्रुप है, फिर उसमें ग्रुप्स विद इन ग्रुप्स हैं, एक की एफिलिएशन एक के साथ, दूसरे के साथ, फिर हमारे सूबे में यहाँ पे दो तीन ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं डिफरेंट फॉर इन्फ्लुएंस, और खान साहब को जाके कहानी सुना देते हैं, फिर वो फैसला कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप जाता है, फिर वो अपनी मरूजात बयान करता है, फिर वो उनके साथ एग्री कर लेते हैं, बाज़ूकात खान साहब कहते हैं कि जी उनको टाइम दें सोचने का, वो आके वीडियो टॉक करके पहले से डिसीजन अनाउंस कर देते हैं। अच्छा, तो बकौल शेर अफजल मरवत के वो तो कहते हैं कि ये PTI एस्टेब्लिशमेंट, और उसको वो उमर अयूब साहब को और शिबली फराज को, तो उन्होंने मुझे जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने बाय नेम इन दोनों का नाम लिया, उन्होंने कहा कि ये PTI एस्टेब्लिशमेंट है PTI के अंदर। अच्छा, और साथ में कुछ और भी लोग हैं जो ग्रुप्स में साथ में एलाइड है इनके,
ठीक, तो मेरे ख्याल में इसमें अभी कोई फाद कोई डाउट नहीं रहा कि पीटीआई इस वक्त मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटी हुई है। ओके, अच्छा, अब मैं जरा इसमें ना मैं जरा सलमान साहब से भी पूछता हूँ, बिकॉज सलमान साहब खुद जो हैं वो बिल्कुल फ्रंट लाइन लीडर हैं, लेकिन उससे पहले मैं कार फिरोज से जरा आप भी जरा इसमें ऐड कर दें, क्योंकि आपकी भी शेर अफजल मरवत साहब से मुलाकात हुई है, तो ये क्या ये ग्रुपिंग कितनी सिवियर है, और ये बार बार ये शटल कॉक की तरह मरवत साहब का मामला और पीएससी का मामला जो है वो कभी इधर कभी उधर, ये क्यों हो रहा है? बनने के बाद जो दो हिस्सों में पार्टी तकसीम हुई वो बहुत क्लियर बाइफिकेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें वकला जो है वो फोर फ्रंट पे थे और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बैक बर्नर पे थी। अब जब इलेक्शन होके आए हैं तो ये डिवाइड क्लियरली जो है वो विजिबल है। जहां तक मरवत साहब का जो है ताल्लुक है, परसों भी उनसे जो बात हुई और कल भी बात हुई, आज सुबह उनसे मुलाकात भी हुई, इज वेरी क्लियर, और उन्होंने कहा कि तीन लोग हैं, टू कोट हिम एग्जैक्टली नॉट टू पुट इट ऑन माई सेल्फ, वो ब्लेम कर रहे हैं जो दो नाम इस्माइल साहब ने लिए हैं, जिसमें शिवली फराज साहब, उमर अयूब साहब, और ऑब्वियसली वो एक नाम जो है वो बैरिस्टर गौर साहब का भी जो है वो ले रहे हैं कि ये तीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली मुझे जो है हटाने में, जो पी ए सी चेयरमैनशिप है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे ख्याल में फहद साहब इन टर्म्स ऑफ के जो मेरी तरीके इंसाफ की लीडरशिप से बात हुई और जो ऑब्वियसली एक ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन थी लेकिन इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, उसमें एक बहुत क्लियर इंडिकेशन जो है जो बात सामने आ रही है उसमें उन्होंने जो मरवत साहब ने जो सऊदी अरेबिया पर स्टेटमेंट दिया था, दैट वॉज द मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन मेरे ख्याल में, that was used against him in different lobbies, और इसके अलावा भी जो social media पर और जो उनकी prominence है, तो obviously it irks people in a lot of ways, और इसलिए एक problem जो है उनके लिए जो हमेशा रहेगी मेरे ख्याल में वो it's not just going to be the PAC chairmanship, longer run में ये issues होंगे। आज वो कसूर में थे और मेरी फोन पे उनसे आइंदा लाए अमल के हवाले से बात हुई, एंड ही सेड के जो उन्होंने ट्वीट किया लेकिन ये कहा कि कल मैं इमरान खान साहब से जो है वो मिल रहा हूँ, कल उन्होंने टाइम फिक्स किया और कहा कि मैं वहां से बैठकर फिर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें सारी डिटेल्स बताऊंगा कि मेरे खिलाफ जो है वो कौन सा काम हुआ। लेकिन इसमें इन्होंने सिर्फ अपना जिक्र नहीं किया अपने जो ओहदे का है, इसके अलावा उन्होंने जो है अपने भाई के बारे में भी जो है जिक्र किया कि उसको भी जो है वो डीनोटिफाई जो है वो कर दिया गया, एंड ही एक्चुअली ब्लेम्स द केपी गवर्नमेंट फॉर दैट, उसके अंदर जो लॉबी है। मैंने उनको बहुत खोरेदने की कोशिश की कि बताए कि किस कि कौन इसके पीछे है, लेकिन उन्होंने कोई नाम स्पेसिफिक केपी गवर्नमेंट के हवाले से नहीं लिए, उन्होंने बजाबता खुद केपी गवर्नमेंट को कहा कि मेरे खिलाफ वो मुतहिद होकर जो ये काम तो पूरा माज खड़ा हो गया। सलमान साहब अब ये देखिए ना, मामला तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है, तो पहले तो ये बताएं कि आप कौन से ग्रुप में हैं, प्रो मरवत में मरवत साहब या एंटी मरवत साहब, और ये इतनी ज्यादा ग्रुपिंग जो है ये क्या खान साहब को पता है कि किस तरीके से पार्टी फैक्शनलाइज हो गई है? देखिए फहद, आपसे दोस्ती भी है इसलिए मैं कुछ बात ध्यान से ही करूंगा, लेकिन मैं ऑनेस्टली बहुत कम होता है कि किसी प्रोग्राम में बैठ के इतना ऐसी मायूसी महसूस करूं जो मैं इस प्रोग्राम में बैठ के महसूस कर रहा हूं। आपका ये क्या प्रोग्राम है? पिछले 15 मिनट से आपकी एक ऑब्सेशन है पीटीआई के साथ कि देखें इनका झूठ, इनके यू टर्न, ये अमेरिकन एम्बेसडर से क्यों मिले, पीटीआई के अंदर बड़ी कोई गुरोबंदी है, ये किस तरह कौमी अहमियत के सवाल आते हैं मुझे आप बताइए। एक पार्टी जो अपने आप को समझती है कि वो आइंदा की हुकूमत है, वो कैसे किसी बैरूनी सफारतकार से नहीं मिलेगी, सफीर से नहीं मिलेगी? हम हर सफीर से मिलेंगे, खा हमारा कुछ भी गिला हो हम हर हुकूमत से मिलेंगे, उनसे ताल्लुक भी रखेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से इंटरजेक्शन वो भी करेंगे। देखिए पूरा एक आपने मैं अर्ज करूं आपने एक पूरा बयानिया बनाया है, एक माहौल पैदा किया है मुझ तक आने से पहले। पहले आपने ये बात की, आपकी जो को होस्ट हैं उन्होंने कहा इनका झूठ जो है वो हमेशा सामने आ जाता है, ये किस किस्म की सहाफती जुबान है, मैं हैरान हूं। मैं उसके अच्छा, बाद अब आपने ये कहा कि अब हम पीटीआई के अंदर जाएंगे आप इस गिरोह में। देखिए आपके कॉरेस्पॉन्डेंट को बिल्कुल कुछ खबर नहीं है कि पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है। नहीं मैं सिर्फ एक अमूमी बात करूंगा, सिर्फ एम्बेसडर वाली बात क्लियर करने दें, गिरोह से है कोई गिरोह नहीं है, मुझे सिर्फ एक एम्बेसडर वाली बात क्लियर करने दें। बात बिल्कुल वो जो बात हुई थी है और जो लफाजी है जिस तरह की लफाजी सलमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल की थी उन लोगों के लिए जो सोशल इंटरेक्शंस में अमरीकी सफारतकारों से मिलते थे, उनकी ट्वीट्स मौजूद, मैं नाम ले लेता हूं डॉक्टर शीरिन मजारी, मैं और बड़े नाम ले, जिस तरह की जबान उन्होंने इस्तेमाल की थी, उन्होंने कहा था ये लोग साजिश में शामिल हैं, ये यानी ये इतनी इन्फ्लेमेटरी किस्म की एलिगेशन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ऐसा तो नहीं है ना, ए लेवल लीडरशिप ने की थी।
तो ये वो तो फैक्ट है, ठीक हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंटेड है, ऑन द रिकॉर्ड है। आपने 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 बदला तो नहीं ना लेना, मैं पूछ रहा हूं ये हुआ होगा, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद क्या है? ये कहना कि तरीके इंसाफ को अब हमेशा के लिए अमेरिका से और अमेरिकी सफारतकारों से कुट्टी कर लेनी चाहिए? उनको पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये जरूर कहना चाहिए कि जी वो जो हमने कहा था वो गलत था, ये तो कहना चाहिए, तो कहना चाहिए ना कि जी उस वक्त जो हमने कहा था वो गलत था, एक्नॉलेज तो करना चाहिए। हो सकता है, हो सकता है, देखिए मैं उस वक्त इस तमाम सलमान अखबर राजू साहब बड़ी माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ सर प्लीज बात करने का, सर आप ये कह रहे हैं कि झूठ लफ्ज इतनी आपको तकलीफ दे गया माजरत के साथ, लेकिन सर हम क्या करें, हमारा एक्सपीरियंस ही जमात के साथ ऐसा रहा है, चाहे वो 35 पंक्चर हो, चाहे वो किसी इंटरनेशनल, वो थोड़ा पर्सनलाइज हो जाएगा मामला, पर्सनलाइज चले, वो सलमान साहब आपने बात कर दी, मैंने भी कर दी, अब नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, ये जो अभी बात की इस्माइल साहब ने और इफ्तिखार साहब ने, देखिए आप या तो प्रोग्राम करें एक को हदफ बनाने के हवाले से, या आप बात करें उसूलों की, आज के इश्यूज क्या हैं हम उन पे बात करें। अगर आपने पीटीआई की तारीख को उठा के उस पर हमला करना है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमने तो आपको मरवत साहब के लिए लाया, कोई बात करनी है तो जो मरवत साहब का मामला, सीरियस मामला है, मेरा मसला नहीं है, अभी ये दोनों हमारे बड़े सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तरीन, मोस्ट रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। मरवत साहब का मामला क्या सीरियस मामला है? बिल्कुल सीरियस मामला नहीं है। पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है, उसका एक रुकन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयर लगता है या दूसरा लगता है, ये किस तरह ये कौमी अहमियत का मामला है? पार्टी के अंदर गुफ्तगू होती रहती है, मुख्तलिफ आरा सामने आती रहती हैं, पार्टी अपने फैसले कर सकती है, बदल भी सकती है। मुझे नहीं समझ आया कि मरवत साहब जरूर खायफ होंगे, उनको गुस्सा भी होगा, लेकिन उनकी खफकी और उनका गुस्सा एक नेशनल प्रोग्राम पे इतने वक्त का मुतकाजी नहीं है। नहीं देखिए, लेकिन हम और मामलात की बात कर सकते हैं। मैं गुजारिश करता हूं सलमान साहब, मैं गुजारिश करता हूं, देखिए हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, और क्योंकि इतनी बड़ी जमात है और अगर उसके अंदर इस तरह की जो है वो फैक्शनलाइजेशन होगी, जो इफ्तिखार फिरदौस साहब, इस्माइल खान साहब बात कर रहे हैं, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज जो पार्टी की डिसीशन मेकिंग है उसमें डायरेक्ट इसका इंपैक्ट हो रहा है। और ये जो दो हमारे कॉलीग्स हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि जी ये हो रहा है पार्टी में, और वो शेर अफजल मरवत साहब तो ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। देखिए मैं अर्ज करता हूं, जिस दिन ये बात हुई अडयाला जेल के बाहर, गौहर साहब ने नाम लिया शेर अफजल साहब का, उस दिन मैं मौजूद था। उससे कुछ अरसा पहले जेल में भी खान साहब के साथ जो गुफ्तगू हुई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से, उसमें भी मैं शामिल था, तो मैं कुछ बातें जानता हूं, मुझे मालूम है क्या हुआ उस दिन, क्या बात हुई और बाद में क्यों कोई दूसरी बात हुई, किसने दूसरा फैसला किया। पार्टी के अंदर फैसलों के लिए एक निजाम मौजूद है, लिहाजा ऐसा हरगिज नहीं है कि इसको आप ये समझें कि पार्टी कोई टूट रही है एक शख्स के नाराज होने से। वक्ती तौर पे मुझे यकीन है कि लंबी नाराजगी भी नहीं होगी, पार्टी कोई हिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा हर पार्टी के अंदर ये गुफ्तगू होती रहती है, किसी दिन कोई शख्स खायफ होता है, अगले दिन कोई और खायफ होता है, इससे कुछ भी आप अखज नहीं कर सकते इस्माइल के हवाले से। ओके, तो प्लीज अगर हम कोई और बात कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं। इस्माइल साहब नजर में ये गैर अहम मामला है। इस्माइल साहब जंप इन हियर, ये ऑब्वियसली आप उसको बड़ी क्लोजली देख रहे हैं, केपी में बड़े अरसे से देख रहे हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है उसके ऊपर से उस ग्लॉस ओवर तो नहीं कर रहे। पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं और इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद उन मसाइल में इजाफा हो गया और वो होता ही जा रहा है, तो एग्जैक्टली आपके वेंटेज पॉइंट से ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए मैं तो जो अर्शद साहब बात कर रहे हैं, इनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो कहते हैं कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है शेर अफजल मरवत साहब की, तो शेर अफजल मरवत साहब का जो एपिसोड है वो तो एक लार्जर उसका जो है तो वो एक सिम्टम है। उसका असर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे पड़ रहा है, यहाँ पे जो है कुछ हमारे अपने पहले से प्रॉब्लम चल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपको पता है सिक्योरिटी के इश्यूज अलग है, फाइनेंशियल एक बहुत बड़ा क्राइसिस है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त, जो कि पिछली हुकूमत जो थी पीटीआई की एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम छोड़ के गई है इस सूबे के लिए। तो उसमें जब आप इस किस्म की फैक्शनलिज्म होगी, ग्रुपिंग्स होंगी, तो आपको एक चीफ मिनिस्टर लगेगा कि वो बिल्कुल हैमस्ट्रंग है, वो हैंडीकैप्ड है, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स आर पुलिंग हिम इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मैं तो इसको इनकी जो इंटरनल पार्टी की जो भी पॉलिटिक्स है जो भी है,
उसको मैं इस तनाजुर से देखूंगा कि उसका असर खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पे क्या हो रहा है। तो उसका असर पड़ रहा है, ये सबको पता है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में, लोगों को पता है कि कैबिनेट किस तरह बनी है, किन किन लोगों को डाला गया, किस तरीके से कैबिनेट में पोर्टफोलियोज तकसीम हुई और उसका क्या अभी इम्पैक्ट हो रहा है। उस गवर्नमेंट तो देखें इसको अभी तक कितना अरसा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें इसमें नहीं समझ आ रही कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन इसमें इसमें देखें इफ्तिखार साहब, सलमान साहब का मौकफ है एंड ऑब्वियसली यू नो आई रिस्पेक्ट हिज ओपिनियन कम्प्लीटली, उसमें तो कोई दो राय नहीं है और दोस्त भी हैं तो जाहिर बात है इससे आगे और मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन ये जो इशू है ऑब्वियसली सलमान साहब का मौकफ है कि ये इशू इज नॉट वर्दी ऑफ अ नेशनल डिबेट। मैं ये बात कर रहा हूं कि इससे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पार्टी के अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स हैं और डिनाइल में नहीं होना चाहिए। बट दी इशू इज इफ्तिखार साहब, आप भी कवर कर रहे हैं केपी से, आप देख भी रहे हैं। देखिए इफ्तिखार साहब, सलमान अकरम राजा साहब ऑब्वियसली वो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका अपना एक मौकफ है ऑब्वियसली, ही हैज ऑल राइट के वो पीटीआई का मौकफ दें। लेकिन एज इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स, अगर हम पीटीआई के जो है जितने भी दौर और एदवार जो है वो गुजरे हैं गवर्नेंस के, इट हैज़ बीन फैक्शनलाइज्ड और ये कोई इतनी मामूली बात नहीं है। शायद मरवत साहब का केस इस हकूमत में जो है वो एक पहली बार बन के जो है वो आया है, इससे पहले हमने पूरे पूरे मिनिस्टर्स जो है वो घर जाते हुए देखे इसी वजह से, और जिसने पूरा एक गवर्नेंस के निज़ाम को ना चलने से जो है वो रोका है। एंड वी आर टॉकिंग ऑफ नॉट जस्ट शेर मरवत यू नो एज एन इंडिविजुअल, हम एक गवर्नेंस की निज़ाम की बात करें फॉर वॉर टोन प्रोविंस जिसको सीवियर इकोनॉमिक इशूज हैं और जो सेंटर के साथ साइमल्टेनियसली क्लैश कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी इंटरनल कोहेरेंस जो है वो नहीं है, इट क्रिएट्स अ ह्यूज गवर्नेंस इशू केपी के अंदर बैठ कर। एंड आई सेकंड इस्माइल खान साहब, क्योंकि हम उन क्रैक्स को डेली बेसिस पर जो है वो देख रहे हैं और ये वाइडन हो रहे हैं बनिस्बत ये कि ये जो है वो इसका कैज़म जो है वो फिल हो रहा है। लेकिन इसके अलावा फहद साहब, ये भी बातें हैं कि अभी केपी की कैबिनेट की इंटरनली और चेंजेस जो है वो होने जा रही हैं। ओके सलमान साहब, बिल्कुल वी आर आउट ऑफ टाइम बट आई वांट यू टू हैव द लास्ट वर्ड। अब ये मैटर कैसे रिजॉल्व होगा, ये जो सारा इशू हुआ है, इट हैज टू रिजॉल्व इटसेल्फ। देखिए मेरा ख्याल था हम कोई आईन कानून की बात करेंगे आज, मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला किया है, हम उस तरफ तो नहीं जा रहे। मुझे इस मामले में ना कोई दिलचस्पी है ना मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। हुकूमतें चलती हैं, वजीर आते हैं जाते हैं, हुकूमत को कुछ नहीं होता। आपका बयानिया सारा जो है मेरी नज़र में गैर अहम है, मफरूजों पर कायम है। एक शख्स को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया, उससे आपने एक बहुत बड़ा मफरूजा कायम किया है। कोई और दलील मेरे सामने इस प्रोग्राम के दौरान नहीं आई। आपने ये गुफ्तगु जारी रखनी है तो जरूर जारी रखिए, मेरा इस गुफ्तगु से कोई ताल्लुक बनता नहीं। चले थैंक यू वेरी मच। कानून की कोई बात आपने अगर करनी थी तो मैं कर लेता। थैंक यू वेरी मच सलमान राजा साहब और इस्माइल साहब और इफ्तिखार फिरदौस साहब। देखें ये जो अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि जिस तरीके से जो एक एक मैं सोच रहा हूँ कि अप्रोप्रिएट लफ्ज़, लेकिन चलें जो रिस्पांस है, आई थिंक पीटीआई को, मेरी जाती ओपिनियन ये है कि पीटीआई का जो रिस्पांस है ऑन डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस वो उस तरह का नहीं होता, वो रिस्पांस नहीं, वो रिएक्शन है। और ये हाँ वो रिएक्शन है और ये इससे बहुत हद तक ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो पार्टी के बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। और ये जो मरवत साहब का इशू है ये भी आप देखें ना कि कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे जो है वो इसके बजाय के मामलात को रिजॉल्व किया जाए, वो पहले एक शख्स दूसरे पे झपटता है, फिर वो उस पर झपटता है, फिर वो उस पर झपटता है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम चल रही है। और जिस तरीके से इफ्तिखार फिरदौस और इस्माइल साहब बात कर रहे थे, इट इज़ अ सीरियस इशू। ये सिर्फ मरवत साहब का इशू नहीं है, अगर वो जमात है जो केपी में अपनी गवर्नमेंट कर रही है और जिसने जो कहती है कि हमने कल को आके पाकिस्तान भी चलाना है, अगर उसकी जमात में ये उस जमात में अगर वो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला भी सही तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाते तो व्हाट डज दैट से अबाउट। और फाद साहब क्यों ये मामला हमारे लिए अहम है, इसलिए कि आप सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस असेंबली के अंदर लेके आए, इसलिए कि यू आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन पार्लियामेंट, इसलिए कि आपको बहुत ज्यादा वोट मिला है, इसलिए कि आपको दोबारा भी पड़ सकता है, इसलिए कि आपने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे पाकिस्तान के मौशी फैसले इफेक्ट हुए हैं, इसलिए कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू, इसलिए हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वी कैन नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, दिस इज द आर्ग्यूमेंट। और जो आप कह रहे हैं ना रिस्पॉन्स, दिस इज नॉट रिस्पॉन्स, ये पीटीआई का एक एनिग्मा रहा है कि उनको नहीं तनकीद पसंद आती
और सलमान अकरम राजू साहब तो बड़े इज अ लर्न लॉयर, लेकिन अगर उनसे भी पीटीआई का रिवायती रिएक्शन ही आएगा, रद्द में आएगा, तो हमारे लिए बड़ी मायूसी की बात है। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन। ब्रेक का वक्त हो रहा है और उसके बाद हमने बात करनी है जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है, गंदम का जो बहरान है, वीट स्कैंडल, इसको स्कैंडल कह रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है? कुछ आप, बड़े ही अहम गेस्ट, आपने तो नहीं कुछ इंपोर्ट किया? मैंने नहीं किया, लेकिन हमारे पास एक गेस्ट आ रहे हैं जिनसे हम शायद जो इन मामलात को जो बहुत ही सीनियर, बल्कि चले क्या कहते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ही नोज वेरी वेल, मोस्ट वांटेड दीस डेज। और ब्रेक से बाद उनसे बात, बिल्कुल एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और एक बहुत अहम मौजू जो कि लगता है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है, मौशी सहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि सब ये जाना जाए कि पाकिस्तान में इजाफी गंदम क्यों इंपोर्ट गई है, अप्रूवल किसका था। इस मामले को तफसील से जानने के लिए हमारे साथ मफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, उनकी बड़ी ग्रिप है इनिशियल्स पे। जी फात साहब, डॉक्टर मफ्ता इस्माइल, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक तो अम्बी बीट का स्कैंडल जो है वो आए दिन बड़ा होता जा रहा है, और जाहिर बात है उसमें वो अब ये सवाल उठ रहा है कि जी ये कि जो किसका एहतसाब होगा, वो इंक्वायरी कमेटी जिसकी रिपोर्ट जो है वो आज शाम को आनी है, वो क्या कहेगी, फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा मसला हो गया। लेकिन उससे पहले मैं वहाँ पे जाऊँ, डॉक्टर मफ्ता इस्माइल, ये पीटीआई की तरफ से आपके ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए हैं, और उन्होंने आज ये भी एक शेयर कर दिया है एक पूरा चार्ट के जिन लोगों ने ये वीट इम्पोर्ट की है उसमें आपकी इंडस्ट्रीज का नाम भी नंबर 18 नंबर पर है, इस्माइल इंडस्ट्रीज, जिसने 57,200 जो है वो मेट्रिक टन इंपोर्ट की है, ये क्या मामला है? सर हम कारोबारी लोग हैं, हम दाल का भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट करते हैं, हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, हम जब हुकूमत ने इजाजत दी है और वीट की, खैर इजाजत तो पहले से थी, जब वीट की इंपोर्ट की इजाजत, तो हम वीट भी इंपोर्ट किया है, हमारी अपनी फ्लावर मिल्स भी हैं, हमारी अपनी स्टीरियल की मिल्स भी हैं जिससे हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारी अपनी बिस्किट की फैक्ट्री भी है, सो इट्स अ नेचुरल सॉर्ट ऑफ बिजनेस। हमने बहुत ज्यादा नहीं किया इम्पोर्ट, 57,000 टन किया है, विच इज फॉर वीट इज वेरी स्मॉल कमोडिटी, मतलब लोगों ने 8-8 लाख टन भी किए हैं जो ट्रेडिंग काम करते हैं इसमें, मतलब पीटीआई ने कहीं का कहा कि इसका इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगा दो, तो इमरान खान के ऊपर हक हलाल के बिजनेस करने का इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना खुदा ना खास्ता। मतलब वो कोई मुझसे कह रहा था कि आसमा शिराजी साहब कह रही थी कि आप पैसे वाले हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल पैसे वाला हूँ, लेकिन मनी ट्रेल के साथ पैसे वाला हूँ, 100 करोड़ पैसे ऊपर ज्यादा है मेरी कंपनी हर साल इनकम टैक्स देती है, तो ठीक है, आई एम वेल ऑफ, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है, लेकिन ये मनी ट्रेल के साथ बिजनेस करते हैं और कोई छुपा के बिजनेस नहीं करते। तो ये जो इम्पोर्ट का सारा मामला हुआ है जिसमें अभी आपकी इंडस्ट्रीज का भी नाम आया हुआ है, जाहिर बात है अब ये एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये किस तरीके से ये फैसला साजी हुई और किन बुनियादों पर हुई, तो पहले तो मुझे ये बताएं, बिकॉज एज फाइनेंस मिनिस्टर आप खुद ईसीसी को हेड करते रहे हैं, वीट इंपोर्ट हर गवर्नमेंट करती है, उसकी एक एक डिसीशन मेकिंग का प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन आती है जिसकी बुनियाद पे ये किया जाता है, तो क्या ये फैसला, जिस वक्त ये फैसला हो रहा था उस वक्त क्या ये पॉसिबल था कि जो प्रोजेक्शंस आती हैं कि जी बम्पर क्रॉप होगा नहीं होगा, वो प्रोजेक्शंस कितनी एक्यूरेट होती हैं, और उनको सामने रखते हुए आपके ख्याल में ये फैसला जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने किया ये गलत था या ठीक था? देखिए, जो गलती की बुनियाद है ना वो यू हैव टू गो बैक 1 ईयर। पहले तो एक फवाद भाई, एक बात मैं इधर गुजारिश कर दूं कि ये नहीं हो सकता कि गंदम महंगा बिके ताकि फार्मर्स को ज्यादा पैसे मिले और आटा सस्ता बिके ताकि रोटी सस्ती हो जाए, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, गंदम महंगा होगा तो आटा महंगा हो जाएगा, ये क्लियर होनी चाहिए ना बात। सो हुकूमत की ये दोनों चीजों की एक साथ ख्वाहिश होती है कि गंदम महंगा हो लेकिन आटा सस्ता हो, ये हो नहीं सकता, ये फिजिकली नॉट पॉसिबल, राइट? तो 2002 साल पहले पीडीएम की हुकूमत में, जब उससे पहले 2200 रुपए फी मन आटा गंदम खरीदती थी हुकूमत, 2200 रुपए फी मन, उसको तारिक बशीर चीमा साहब का ये ख्याल था, मेरा भी ख्याल था कि 3200 रुपए तक कर दें, क्योंकि महंगाई भी थी, फ्लड्स भी थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हुकूमत ने फिर ये फैसला किया कि 4000 रुपए की खरीदेगा, सिंध हुकूमत 4000 रुपए की खरीद रही थी गंदम, और पंजाब हुकूमत 3950 रुपए की खरीद रही थी, शायद तकरीबन 4000 ही हो गए, तो 4000 रुपए की आपने गंदम खरीदना शुरू कर दी, और वो गंदम 4000 रुपए की, मतलब एक मन का मतलब है कि आप 100 रुपए किलो खरीद रहे हैं,
100 रुपए किलो यानी कि डॉलर किलो यानी कि $1,000 पर, अगर वो अगर 100 रुपए किलो खरीदने का उस वक्त में खाता 200 रुपए का था तो $500 का या $250 का था, तो आप $450 पर टन खरीद रहे हैं। आज दुनिया की बाजार $205 में, आज दुनिया के अंदर अगर इस वक्त आप इंपोर्ट करने जाए तो 58 रुपए का आपको गंदम मिल सकता है, कराची पोर्ट पे पहुंच के 65-70 रुपए का आपको गंदम मिल सकता है। एक तो ये कि गंदम की कीमत इतनी ज्यादा नहीं हो सकती दुनिया भर से, आपको गंदम के फार्मर्स को एफिशिएंट करना पड़ेगा। तो एक तो ये कि आपने पहले 3200 से 4000 कर दिया, एकरेज भी ज्यादा हो गया, लोगों ने उस पर अच्छी खाद भी डाल दी क्योंकि पैसे मिल रहे थे और उन्होंने 4000 का लास्ट ईयर पैसे भी कमाए। इस बार वो आए, आपने पंजाब हुकूमत ने अचानक कह दिया हम नहीं खरीद रहे, सिंध हुकूमत की जब सिंध की गंदम आ रही थी तो सिंध हुकूमत ने खरीदा लेकिन पंजाब हुकूमत खरीद नहीं रही। तो क्राइसिस जो असल में है वो पंजाब हुकूमत के गंदम ना खरीदने का क्राइसिस है। नहीं तो आपके ख्याल में वो उनका जो आर्गुमेंट है डॉक्टर मिफ्ता, उनका जो आर्गुमेंट है, और हमारे पास वो अगर इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वीट की उसका भी शायद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर रेडी होती तो हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पंजाब गवर्नमेंट का ये मौकफ है कि जी क्योंकि ऑलरेडी केयरटेकर गवर्नमेंट ने इतनी गंदम मंगा ली थी और वो ऑलरेडी ओवर सप्लाई है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। डॉक्टर मिफ्ता आप भी ये चार्ट देख सकते हैं, मैं चाहूंगा आप भी जरा इस पर कॉमेंट करें। तो पंजाब गवर्नमेंट कहती है एक्सेस ऑलरेडी हमारे पास वो आ चुका है तो हम कैसे खरीदें फार्मर्स से, जेन्युइन आर्गुमेंट है? नहीं देखें, पंजाब हुकूमत 4-5 मिलियन टन खरीदती है गंदम, फेडरल गवर्नमेंट 101 मिलियन खरीदती है, सिंध हुकूमत 3 मिलियन खरीदते हैं, कोई कदम तो नहीं है। पंजाब हुकूमत खरीद सकती है, आज भी फार्मर से जाके खरीद सकती है। अगर आपको इस बाजार में जहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त देखें, मैं आपको बताऊँ मेरी क्योंकि फ्लावर मिल है तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में कुछ अरसे पहले 6 महीने पहले आटा जो था वो 146 रुपए तक का बिका है, 146 रुपए पर किलो का आटा बिका है, आज आटा 91 रुपए किलो बिक रहा है, आज गंदम जो है वो 80-82 रुपए की है, तो आटा भी सस्ता हो गया है। तो ये बात याद रखें कि पंजाब हुकूमत अगर चाहे तो वो खरीद सकती है, वो नुकसान कर ले अपना, वो 110 रुपए का आटा गंदम खरीद ले फार्मर से, 100 रुपए का गंदम खरीद ले और वो 70-80 रुपए में बेच दे, तो यहाँ महंगाई भी नहीं होगी और गंदम भी खरीदा जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, हुकूमत का बिल्कुल नुकसान होगा। दूसरा ये कि एक साल अगर वो कैरिंग कॉस्ट करते हैं तो 24% उनको इंटरेस्ट लगता है, वो भी इनको नुकसान होता है, तो वो अपना नुकसान बचा रहे हैं। मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा कि आप एक दिन जाके बड़े त्यौहार मना रहे हैं कि हमने रोटी सस्ती कर दी, 16 रुपए की रोटी सस्ती कर दी, दूसरे दिन आप कह रहे हैं कि गंदम महंगा होना चाहिए, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? फिर पंजाब हुकूमत इसमें पंजाब हुकूमत अचानक एक सबसे बड़ा पाकिस्तान का बायर अगर मार्केट से निकल जाए तो मार्केट तो नीचे करेगी ना, वो किसान और उसका नुकसान क्या होगा? मैं आपको यही बताऊं कि अगले साल आपको ये 300 रुपए का नहीं मिल रहा होगा गंदम, क्योंकि इस साल जो आपने फार्मर्स को बैंकक्रप्ट किया है तो फार्मर्स के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होंगे कि वो खरीफ की फसल भी लगा सके, लेट अलोन के नेक्स्ट तो गंदम लगाए वो। लेकिन आपकी आपकी राय में डॉक्टर साहब फिर गलती वो थी कि जब केयरटेकर गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करके और गंदम बाहर से मंगा ली, या गलती ये है कि अब क्योंकि गंदम वो आ गई है तो पंजाब हुकूमत जो है वो उसको किसानों से खरीद नहीं रही, इन दोनों में से एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? फिर मेरे ख्याल से 3 गलतियां इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पहली गलती है कि हमने यहाँ पर 4000 रुपए जो फार्मर्स को देने का इरादा किया, जो 100 रुपए उसके बाद जो एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि वो 115 रुपए का रेट पंजाब में होता था सिंध में, और कराची तक जब गंदम आती थी क्योंकि वहां पे कुछ कतरन की लगी थी सिंध से ला कराची में लाने की, और हमेशा पंजाब हुकूमत भी कतरन लगा देती है पंजाब से निकालने की आटे, तो 128 रुपए की आपको गंदम मिल रही थी, तो आटा जो था वो 142-146 रुपए का आटा हो गया था, आटा बड़ा महंगा हो गया था। यहाँ पे लोग मतलब देखें आटे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप चिकन से गोश्त पे चले जाएं, गोश्त से चिकन पे चले जाएं, दालों पे चले जाएं, सब्जियों पे चले जाएं, आखिर में आप रोटी खा सकते हैं, उसके बाद उसकी कोई ठीक है। ठीक है मिफ्ता साहब, हमें वाइंड अप की तरफ जाने, एक बड़ा अहम सवाल है, काइंडली इसका जवाब दीजिएगा कि ये इशू तो अनफोल्ड होता ही जा रहा है, इसकी टेक्निकलिटीज हमें समझनी पड़ेंगी, लेकिन ये 3-4-5 सालों से हो रहा है, इसकी कुछ ये सजेशन दी जा रही है इसको सॉर्ट करने के लिए कि या तो गवर्नमेंट एक रेफरेंस प्राइस सेट ही ना करे जिसकी वजह से इंपोर्टर को मसला ना हो, एक ये सजेशन, और दूसरा ये कि जो लैंड है जहां पे सरप्लस गंदम आ रही है उसकी जगह मेज या सनफ्लावर या कोई कुछ और उगा दिया जाए, ये इन लाइंस पे क्यों नहीं सोचा? यानी गवर्नमेंट मार्केट से बाहर निकल जाए, ये भी ऑप्शन है, ये डिबेट हो रही है। देखें चावल
चावल की मार्केट में हुकूमत होती थी, जब तक हुकूमत होती थी $1 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट नहीं हुआ। जिस दिन चावल की मार्केट से हुकूमत निकल गई, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया। इस वक्त मसला यह है कि दुनिया की बाजार गिर गई है, वरना तो हमारे पास एक्सेस जो होता है हम एक्सपोर्ट कर देते। अब दुनिया की बाजार इतनी गिर गई है कि अफगानिस्तान वाले भी हमसे चीनी नहीं लेते, फिर आपने थोड़ी सी स्मगलिंग भी रुकवा दी तो अफगानिस्तान भी आटा नहीं जा रहा है, पाकिस्तान का गंदुम पाकिस्तान का नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे इशूज हुए। लेकिन अगर आप गलती देखें, मैं तो आपको बताऊं, तो इनिशियल गलती जो थी वो ये कि यहाँ पर सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपए की करना बहुत गलती थी। आप 2,200 रुपए से अचानक 4,000 रुपए नहीं करनी चाहिए थी। वो एक बहुत ज्यादा लार्ज स्केल ट्रांसफर था अर्बन से रूरल, अर्बन पुअर से रूरल को, रूरल फार्मर्स को। लेकिन उसके बाद उसका नुकसान ये होता है कि जब दुनिया में प्राइस गिर गई, तो देखिए अगर दुनिया में 58 रुपए की गंदुम है ना, तो हम 100 रुपए की गंदुम को या 125 रुपए की गंदुम नहीं कर सकते। मतलब ये दुनिया में रहते मुमकिन नहीं। पॉइंट आपका आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट थैंक यू वेरी मच, वी आउट ऑफ टाइम। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, ऑलवेज अ प्लेजर। मामला ऑब्वियसली इनका थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, और लेकिन ये कि आज क्योंकि पीएमएलएन की पार्टी की मीटिंग भी हुई इस हवाले से, तो अभी क्लियर हो जाएगा कि पंजाब गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भी सामने आ जाएगी आज। तो कल तक मेरे ख्याल में चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी कि होना ये स्कैंडल। बिल्कुल, और इस तरह के मामला तो पहले भी आते रहे 2015 से लेकर अब तक। इंटरनेशनली अगर वीट कम भी मिल रही है, तो फिर भी पाकिस्तान के किसानों को उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा। लेट्स सी कि ये इंक्वायरी किस तरह के जवाब देती है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।